ठाणे जिले में बुधवार को तड़के एक गोदाम में आग लग गई। गोदाम में प्लास्टिक और होर्डिंग के लिए सामग्री रखी गई थी जो कि जल गई। एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। ठाणे नगर निगम के क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख अविनाश सावंत ने बताया कि हादसा मुबरा के कौसा इलाके में हुआ है जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। अधिकारी के मुताबिक गोदाम में आग सुबह करीब 5:10 पर लगी। उन्होंने बताया कि आग लगने की सूचना के बाद दमकल की दो गाड़ियां और पानी के टैंकरों को मौके पर भेजा गया और करीब 2 घंटे में आग पर काबू पा लिया गया। उन्होंने बताया कि आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, वी सरस न्यूज, ठाणे, महाराष्ट्र।